वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं और अपने क्राफ्ट को छोड़ के बाकी चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं और अपने एक्टिंग को भूल के सोशल मीडिया के पीछे पड़ जाते हैं, अपने स्किन के पीछे पड़ जाते हैं, बालों के पीछे पड़ जाते हैं, नेगेटिविटी पड़ जाते हैं, सोशल लाइफ में लग जाते हैं, बाकी में जाना शुरू कर देते हैं, मेन फोकस भूल जाते हैं, जो उनका मेन काम है एक्टिंग वो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, अपनी ऑनेस्टी को भूल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक्टर को अपने क्राफ्ट को पॉलिश करना रहेगा तो उसको थिएटर या फिर पहला प्रेफरेंस ड्रामा स्कूल को देना चाहिए। बेटा ड्रामा स्कूल, मैं बात बताऊं हम ड्रामा स्कूल क्यों गए थे। जयदीप एस ले गया, मनोज भाई फिल्म में थे, नवाज एस ले गए, मेहनत से मेरा श्रीराम में रहा। मेरा एक ही पर्पज होता है कि आपको ना वो एक माहौल देते हैं जहाँ पे आप लगातार 2-3 साल तक सुबह से लेकर रात तक एक माहौल देते हैं, तो हम वो माहौल में रहने के लिए वहाँ जाते हैं। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं तो आपको माहौल मिलता है, आप लोग आते बंद करके वहाँ बैठते हैं, तो जितने भी स्कूल्स हैं ना वो आपको सिर्फ माहौल देते हैं, काम करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। नहीं तो बहुत से लोग इंस्टीट्यूट भी गए, इतने साल थिएटर भी किया लेकिन माध्यम कुछ किसी का आज भी धक्के खा रहे हैं। तो माहौल जाना चाहिए, माहौल में क्या सीखते हो वो आप घर पे रह के भी सीख सकते हो, 10 लोगों के साथ भी सीख सकते हो, हम सब लोगों एटमोसफेयर के लिए जाते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल